अगर पंचायत के चुनाव के दौरान कोई कोर्ट चला गया होता तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी रुक गया होता। अगर कोई चोरी करेगा और FIR दर्ज करेगा तब ना पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर अब FIR ही नहीं करेंगे तो पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी? अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी लें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया। जब से लालू के साथ गए हैं उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़े पर भरोसा नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम है कि जो अति पिछड़ा बिहार का है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। ये मैंने जो सारे कागजात आपको रिलीज़ किया है, बहुत लोगों के पहले से भी होंगे, तो ये विशेष आयोग गठित करने का सुझाव हमारा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और एक बार नहीं तीन तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है, उसके बावजूद आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का बिना पालन किए आपने चुनाव कराने की पहल करा दिया। अब ये कह रहे हैं कि 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, BJP समय शामिल थी, उसमें कहाँ ट्रिपल टेस्ट की बात थी, उसमें कहाँ कोई कमीशन बनाने की बात थी। और नीतीश जी अब सही कर रहे हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो 2021 में आया है, 21 के पहले अगर कोई चुनाव हुआ तो उसके लिए ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता नहीं थी। और आप करें कि गांधीनगर में कैसे चुनाव हो गया, तो अगर कोई कोर्ट में जाएगा तब ना कोर्ट रोकेगा। अगर पंचायत के चुनाव के दौरान कोई कोर्ट चला गया होता तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी रुक गया होता। अगर कोई चोरी करेगा और FIR दर्ज करेगा तब ना पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर अब FIR ही नहीं करेंगे तो पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी? तो अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है और कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दे रहा है तो कोर्ट कैसे हस्तक्षेप करेगा? तो बिहार में पंचायत का चुनाव भी हो गया बिना ट्रिपल टेस्ट के, लेकिन किसी ने उसको चुनौती नहीं दी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद वो चुनाव हो गया। लेकिन इस बार कोई कोर्ट चला गया और कहा कि कोर्ट आपका ये आदेश है, आप ट्रिपल टेस्ट का इन्होंने पालन नहीं किया है। और मैंने कहा कि यह केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं, ललित किशोर ने दो दो बार ओपिनियन दिया और तीसरी बार मुख्यमंत्री के दबाव में अपना ओपिनियन उनको बदलना पड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग मई महीने तक पत्र लिखता रहा, उसका जवाब तक नहीं दिया राज्य सरकार ने, और जिसके कारण हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप स्वतंत्र इकाई हैं, आप राज्य सरकार के माता तो नहीं हैं, आपको अलग से लीगल ओपिनियन लेना चाहिए था। और इसलिए मित्रों, मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र में भी इन्हीं कारणों से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को रोक दिया गया था। और जब वहाँ की सरकारों ने कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट के निर्णय को पालन कराया तब वहाँ जाकर नगर निकाय का चुनाव हो पाया। का जो चुनाव प्रचार में करोड़ों का नुकसान हो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये राज्य सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। इसलिए हमारी तीन मांग है। पहली मांग हमारी है, अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। आप आयोग बनाइए नहीं बनाइए आपका काम है, आप हाईकोर्ट जाइए कि सुप्रीम कोर्ट जाइए कि यूनाइटेड नेशन जाइए, ये आपका काम है। हमारा तो ये हमारी तो एक ही मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। जो आपके कारण वो वंचित हो गए, इसलिए अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ, हमारा नारा है। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण दो, तत्काल चुनाव कराओ। अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी लें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि बिहार के 50% से ज़्यादा की आबादी अति पिछड़ों की आबादी है, उनको आपने धोखा दिया है, उनके साथ आपने विश्वासघात किया है, उनको आपने अपमानित किया है, उनको आपने जलील किया है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और तीसरी मांग है कि चुनाव के अंदर लोगों का लाखों रुपया खर्च हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? साल भर के बाद चुनाव होगा,
फिर खर्च करना पड़ेगा। तो अति पिछड़ा, पिछड़ा या सामान्य वर्ग, जो लोग भी चुनाव में जिन लोगों ने नामांकन किया था और जिन लोगों ने खर्च कर दिया, उस खर्च का जो हिसाब चुनाव आयोग को उन्होंने जमा किया है, उस पैसे की भरपाई राज्य सरकार को राजकोष से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री हिम्मत न करे जिसके कारण कोर्ट को और चुनाव को रोकने के लिए बाध्य होना पड़े। और प्रचार करें नीतीश कुमार की बीजेपी आरक्षण विरोधी है, अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो कर्पूरी ठाकुर कैसे आरक्षण लागू करते, अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो कैसे पंचायत में आरक्षण लागू होता, तो हम तो आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए आप आयोग बनाइए नहीं बनाइए, आपका सर दर्द है, आपको जिस कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन हमारी मांग है कि तत्काल चुनाव कराइए, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव नहीं होना चाहिए। अति पिछड़ों को आरक्षण दीजिए, और अगर आवश्यकता हो तो अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने की भी अगर आवश्यकता हो तो बढ़ा दीजिए, लेकिन अति पिछड़ों को आरक्षण देकर ही नगर निकाय का चुनाव कराइए, तत्काल चुनाव कराइए, इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री के पद से। और जो खर्च हुआ, सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया दिल्ली से वकील बुलाकर बहस करवाने में, लेकिन इतना विरोधाभासी उनके बयान थे, एडवोकेट जनरल की पुरानी राय भी कोर्ट के सामने थी, राज्य निर्वाचन आयोग का मंतव्य भी था, अपनाम था कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार के चुनाव को और स्थगित कर दिया। इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया। आज तक वो अति पिछड़ों को वोट बैंक के नाते इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। जब से लालू के साथ गए हैं, उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़े पर भरोसा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम है कि जो अति पिछड़ा बिहार का है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी को बड़ा घमंड था कि सारा अति पिछड़ा मेरे साथ है, अकेले चुनाव लड़े, 2 सीट पर सिमट गए, और सारा अति पिछड़ा उनका साथ छोड़कर अति पिछड़ा, कुशवाहा, पिछड़े वर्ग के लोग वो नीतीश कुमार को छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। और उनको मालूम है कि 2024 में भी यही बिहार के अंदर होने वाला है, इसलिए अब उनको माई पर भरोसा है, उनको अति पिछड़ा पर भरोसा नहीं है, और इसलिए बिहार के अति पिछड़ा एवं अन्य वर्गों के लोग नीतीश कुमार के कारण मेयर और डिप्टी मेयर बनने से वंचित हो गए। और ये चुनाव तो 6 महीना पहले होना चाहिए था, जून में चुनाव का कार्यकाल पूरा हो रहा था, नियम कहता है कि कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव कराइए, आपको तो जनवरी में चुनाव कराना चाहिए था, आपने चुनाव कराया सितंबर में घोषणा की, और वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया, तो नुकसान किसका हुआ, नीतीश कुमार का नुकसान थोड़ी हुआ, नुकसान तो हो गया अति पिछड़ों का, जिनको हम लोगों ने आरक्षण दिया था, जो MLA भी नहीं बन पाते थे, MP भी नहीं बन पाते थे, वो बढ़ई, कुम्हार, लोहार, दर्जी, मई सब छोटी छोटी जातियाँ, वो बेचारे कम से कम उन वर्गों के लोग मुखिया बनने लगे, चेयरमैन बनने लगे, प्रमुख बनने लगे, पटना का मेयर बना संजय चंद्रवंशी, कभी चंद्रवंशी समाज का व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि पटना का मेयर बन सकता। तो आपने वंचित कर दिया बिहार के हजारों अति पिछड़ा समाज के लोगों को मेयर और डिप्टी मेयर बनने से।